चलो चलो दोस्तों, ये संग्राम घाटा आ चुका है। संग्राम घाटा ये भानपुरा से निकलते हैं संग्राम घाटा। अभी क्या कि मेरे को ऐसा लग रहा है रोड वोड का काम अच्छा चला अभी यहाँ पे। देखो अभी रोड बन गया है, मगर ये रोड बनाने वाले ने रोड तो बना दिया बहुत जोरदार, मगर थोड़ा सकड़ा है संग्राम घाटे के। यहाँ डर भी तो लगता है। अब इसको देखो रोड तो बहुत शानदार बना दिया। देखो 2024 में आया हूँ, ये देखो आप, पहले यहाँ गड्ढे ने पड्डे बहुत हो रहे थे। ये संग्राम घाटा बोलते हैं इसको, बहुत खतरनाक घाट है ये, और बहुत सावधानी से चलाओ यहाँ पे। यहाँ पे ना कभी भी ओवरटेक मत करो, हाँ ना घंटी बजाते रहो ताकि सामने वाले की घंटी बजे नहीं। हाँ ये संग्राम घाटा है, ये संग्राम घाटा, ये जय हो संग्राम घाट की जय। और ये यहाँ पे रोजड़ा का महादेव का रास्ता है, नहीं इधर है भीरू महाराज जी का रास्ता है। जय हो भीरू महाराज जी की जय हो। हाँ इधर लाओ इसको, ये हाँ ये रोजड़ा प्रभावित क्षेत्र, तो बहुत अपना मन सुकून हो जाएगा। अभी 2024 जनवरी में अभी हम यहाँ से यात्रा कर रहे हैं हिंगलाजगढ़ माता जी, श्यामगढ़ से निकले थे। तो अब देखो पहले रोड के कितने गड्ढे ठलडम ठलडम हो रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये विधायक साहब नए आए हैं चंद्र सिंह जी, उन्होंने तो नहीं किया क्या, क्या मालूम भगवान जाने। टर्न पे कभी भी जोर से नहीं चलाना भाई साहब में। अब ये जैसे भी बहन बेटियाँ निकल रही ना, बिल्कुल धीरे धीरे चलाओ। अब ये गाड़ी देखो कितना धुआं दे रही है, बाप रे बाप, ये दबुड़ी गाड़ी देखो, बाप रे बाप, ओ बाप रे बाप, ये देखो आप, ये इतना धुआं देती ना, ये घास लेर की गाड़ी आई, ये घास लेर से बड़े प्यार, हाँ बढ़िया, ज्यादा स्पीड भी नहीं है। ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हाँ नहीं तो खड़ा के डंडो ले नहीं है, घुसी जाए तो हमारा डंडो यहाँ है, लकड़ी का डंडो भरोसा नहीं है ऐसा ही ना। हाँ ये यहाँ से हिंगलाजगढ़ की तरफ, अब ये हिंगलाजगढ़ की तरफ आ गए हम सब। एक तरफ रास्ता जाता है ये सामने की तरफ जाता है कि तक्षशर महादेव, ये इधर इधर जाएगा हिंगलाजगढ़ माता जी, ये नावली गांव से सीधा अपन हिंगलाजगढ़ माता जी की तरफ आ रहे हैं। ने सामने की तरफ है तक्षशर ताका जी तीर्थ बोलते हैं। Thank you.
बेरियर है यहाँ, ये बेरियर पे यहाँ 25-50 रुपए कुछ भी कुछ सब टैक्स होगा। बच्चे हाँ छोटे बच्चे आप एंजॉय कर रहे हैं। लेवल मोड दे तो पूरा दे तो। हाँ गाड़ी नंबर आर जे देखो ये सेवा है यहाँ, ये यहाँ पे एक रसीद कटती है यहाँ से निकलने की। आप यहाँ रसीद गाड़ी की रसीद कटाओ, उसको कटाने के बाद में यहाँ अपन जंगल में जो जाते हैं ना, यहाँ 5-6 किलोमीटर है, वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने जो नंबर नंबर सब लेते हैं यहाँ पे। तो ये सब गवर्नमेंट की सूचना है, यहाँ पे एक रसीद फड़ा दो आप, जैसी गाड़ी होती है 100-150 रुपये जो आपके जो लगते हैं ना, ये रसीद अपने को देते हैं और अपनी एंट्री देती है यहाँ पे कि ताकि ये व्यक्ति यहाँ पे गए बीच के साथ में अपने कोई घटना घट जाए, कोई इसे हो जाए, तो ये यहाँ पे अपनी देख रेख के लिए यहाँ रसीद कटाओ। पूरा घने जंगल में अपनी जो सेवा होती है वो सेवा के लिए अपने को रसीद कटाने में बहुत अच्छी बात है। अब हमारे यहाँ से हिंगलाज में चलेंगे बढ़िया। घने जंगलों में प्राचीन काल का मंदिर है, प्राचीन काल राजा महाराजा के टाइम का। हाँ राजा महाराजा के जमाने का टाइम का। यहाँ यूँ आज से कुछ समय पहले तो लोग आ भी नहीं सकते थे, ये तो आप थोड़ा
राम राम बाजा, राम राम मेरा प्रभु। किंगराजगढ़ के ये कैसी दो ये किधर? ये लो साहब, बस भगवान खुश रखे। हाँ, ये गाय कैसी है काका जी? नील गाय। ये मैं कह तो सफेद गाय है। अबे देसी है सफेद, ये जो लेंडी 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 गाय, ये वाह वाह, ये बहुत जोरदार है, वाह वाह। ये लेंडी गाय देखा दोस्तों, हाँ हाँ हाँ, ये लेंडी गाय देखो, अरे लेंडी गाय की है नी, देखो वाह वाह क्या बात है। आज हिंगलाजगढ़ की यात्रा में हमको है ना ये सब लेंडी गाय मिली। इधर आपका ही कमला रहता होगा? सावन। हाँ हाँ, वाह साहब बहुत बढ़िया काका जी, बहुत अच्छी बात है। सावन लेंडी गाय, कौन सी गाय? लेंडी, अरे मारा बाप, कई कई नाम बढ़िया रखे ने। लेंडी, हाँ ये लेंडी गाय, कहने लाल गाय में ये लेंडी गाय। अब ये हिंगलाजगढ़ माता जी मंदिर की तरफ जा रहे हैं घने जंगलों के अंदर। अब इसका रोड का देखो कितना, पहले तो रोड है ना बहुत खराब था। अब ये यहाँ पे ये टैक्स लेते हैं ना 100-150 रुपए, आगे चल जा।
यहाँ पर बड़ी गाड़ी बहुत मुश्किल है निकलना, ये तूफान गाड़ी बड़ी गाड़ी लेके भूल के नहीं आना हिंगलाजगढ़ माता जी। जितनी छोटी गाड़ी होगी चार पांच टुकड़े में वो अच्छी है, पलटने में बहुत परेशानी आती है। आज हम 2024 जनवरी में हिंगलाजगढ़ माता जी के दर्शन करने आए, ये राजा महाराजा का किले का जमाने का बना हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छी माता जी का स्थान है। जब भी आते हैं माता जी के यहाँ मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और इनके आशीर्वाद से हमारे जीवन के अंदर बैटरी चार्ज होती है ताकि हमारी बुद्धि में विकास हो, अच्छे कर्म करते रहें। अब हम हिंगलाजगढ़ माता जी जाएंगे, जय माता दी की जय। ये आज आपके हाथ से जो पुण्य हो रहा है ना बहुत जोरदार ये प्रसाद स्वीकार करना। ओम हिंगलाजगढ़ वाली माता जी की जय हो, हिंगलाजगढ़ वाली माता जी की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। हे मेरी माँ कृपा बनाए रखना, तेरी शरण में आए हमें सद्बुद्धि देना, हमारे जीवन के अंदर कोई गलती हो के भी आज हमको दर्शन हुए। हे मातेश्वरी माँ तेरी बहुत बड़ी कृपा है। जय हो माता। और आज 10 जनवरी 2024 के दिन हम यहाँ माता जी के दरबार में आए, हमने माता जी के दर्शन करे और गुरु जी को भी हमने प्रणाम किया, गुरु जी का भी आशीर्वाद मिला। गुरु जी भी यहाँ रात दिन भक्ति भाव में लगे रहते हैं और ये माता जी का जो मंदिर है के नवरात्रि के दिन भी बहुत भीड़ आती है यहाँ पे, ये माता जी का मंदिर देख लो, और रविवार के दिन भी बहुत भीड़ आती है और यहाँ जो भी भक्त लोग आते हैं। और वाह, श्री राम जी की जय हो। वाह वाह वा, क्या बात है। गुरुदेव चरण स्पर्श हो। श्यामगढ़ से आ गुरुदेव। हाँ ले मुकेश ले, मु गुरुजी प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ।
पकड़ो भी नहीं। वाह 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 मेरे गुरुदेव, मन खुश हो गया आपको देखा। वो पहला भी आया तो घना साल पहला आया तो यहाँ बैठा था, जो कोई मिल नहीं पाए थे, फिर वहाँ भी गए तो आज आपके दर्शन हुए। आज ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर है यहाँ, जाओ ना, ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। चलो ये आज है ना, अयोध्या धाम तो जा नहीं सकते हैं, 22 तारीख का प्रोग्राम रखेंगे यहाँ भी है गुरुदेव, 22 तारीख का प्रोग्राम रहेगा यहाँ भी, 22 तारीख के दिन अयोध्या धाम बनती है तो यहाँ हिंगलाजगढ़ में भी भंडारा भी रखेंगे, भगवान की देश आरती वारती करेंगे, उत्सव मनाएंगे। क्या बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया। वाकई में यानी हिंगलाजगढ़ गए में किले में भी अयोध्या धाम की दिवाली बनेगी। हाँ। दिवाली बनेगी। हाँ। आप साधु संतों के ऊपर तो प्रभु श्री राम की तो ऐसे बहुत कृपा है, सब उस राम की कृपा से तो। हाँ देखा गुरुजी ने कितने बढ़िया बात कही है कि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में दिवाली बनेगी तो हिंगलाजगढ़ किले में भी प्रभु श्री राम के यहाँ भी भंडारा होगा और दीपक जलेंगे, दिवाली बनेगी। क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है, यानी 22 जनवरी को प्रोग्राम चालू हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना गुरुजी। हाँ, ये है हाँ। तो यहाँ भंडारा भी होगा। हाँ, भंडारा तो हो। भंडारा कितने बजे से कितने बजे शुरू होगा? ये कम से कम 12 बज जाएगी, 12 बजे आरती हो, 12:30 की आरती, अभिजीत नक्षत्र में आरती करेंगे, जब वहाँ राम की आरती होगी ना विराजमान, उसी वक्त यहाँ आरती करेंगे। अरे वाह मेरे प्रभु, ये राम देखा, ये गुरु के आशीर्वाद, कितना मैंने मेरे को ऊपर मेरी दादी माँ की कितनी बड़ी कृपा है, जो आज मुझे साधु संतों के अयोध्या जाने की जरूरत नहीं, हिंगलाजगढ़ किले में मेरे को आज संतों की आशीर्वाद मिला। और गुरुजी ने कहा कि 22 जनवरी के दिन यहाँ प्रभु श्री राम का नाम का भंडारा होगा और दिवाली का आनंद बनेगा और आनंद ही आनंद रहेगा। यहाँ एक मंदिर बना हुआ है प्रभु, आज मैं इनके यहाँ दर्शन करता हूँ, अंदर जाके ये प्रभु श्री राम की जय हो। अरे वाह 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 वेरे मेरा प्रभु, ए राम अयोध्या धाम के राजा प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम मेरे माँ, चरण स्पर्श स्वीकारो, चरण स्पर्श स्वीकारो। हे रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। कह गए राम सिया से, ओ मेरे प्रभु मेरे राम, क्या बात है। ये आज प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी का मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ दोस्तों, और अयोध्या धाम जाओ तो समझो ये प्रभु श्री राम के दर्शन, आप ये हिंगलाजगढ़ माता जी किले में यहाँ 22 जनवरी के दिन यहाँ भी बड़े धूमधाम से दिवाली बनेगी और यहाँ भंडारा होगा। यहाँ पे तो सीता माता भी है, लक्ष्मण जी भी है, प्रभु श्री राम भी है, हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी को मैं देखता हूँ। कहाँ गुरु जी? ये सामने हनुमान जी। तो ये हनुमान जी तो बहुत छोटे से के? अरे राम भक्त है के? ये बाल रूपी, बाल रूपी हाथ जोड़े हुए राम जी के, राम जी के हाथ जोड़े हुए, और किसके जोड़े हुए? सामने राम जी है। हाँ। और इधर हाथ जोड़ के खड़े है, देखो आप। और गजब, वाह वाह वाह, जय हो बजरंग बली की जय हो, हाथ जोड़े ये जय हो बजरंग बली की जय हो, वाह 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 मेरे प्रभु वाह, ये राम बाल रूपी बजरंग बली, हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम तो सामने और ये साथ जोड़ के खड़े हुए हैं। तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। ये पादुका प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी की, ये देखो बाल रूपी बजरंग बली। और वाह मेरे प्रभु, कितना सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहा हूँ और साथ में बजरंग बली के दर्शन कर रहा हूँ। ये तो यहाँ पे तो